राशि कार्य क्षेत्र में प्रगति के लिए आज आप ज्यादा परिश्रम करेंगे, ज्यादा समय तक कार्यरत रहेंगे, किंतु इच्छित परिणाम ना मिलने पर आप कुछ हद तक असंतुष्ट या हताश हो सकते हो। अपने परिश्रम जारी रखें। नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आने वाले दिनों में आप बहुत ही अच्छी प्रगति करेंगे, इस बात का विश्वास रखें। बेरोजगार लोगों को आज नौकरी मिलने के या इंटरव्यू में सफलता मिलने के अच्छे योग बने हुए हैं। विशेष रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रयास करने वाले लोगों को आज सफलता मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी योजनाएं जिनके शुरुआती दौर में मंद गति से आगे बढ़े ऐसा संभव है। सहयोगियों के साथ आपका मतभेद हो ऐसा भी संभव है, किंतु दिन के उत्तरार्ध में वातावरण सकारात्मक रहेगा। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का आप उचित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल है। आज निवेश करने से आपको आर्थिक लाभ हो ऐसे योग प्रबल है, किंतु अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेने के बाद ही किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम होता है। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक अशांति संभव है। जीवन साथी से अन्य किसी रिश्तेदार की वजह से आपका मतभेद हो या मन मुटाव हो ऐसा संभव है। माता पिता और भाई बहन से भी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। कोई बहुत पुरानी पारिवारिक या पैतृक समस्या आज ज्यादा गंभीर बन सकती है। आपका आरोग्य दिन भर अनुकूल बना रहेगा, किंतु निजी जीवन में समस्याओं की वजह से आप कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हो। दिन के अंतिम दौर में आपको कमर से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या हो ऐसा भी संभव है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियां आज उपलब्ध हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ मिलकर विद्यार्थी वर्ग शिक्षा से जुड़ी हुई प्रवृत्तियों में सक्रिय रहे ऐसा संभव है। बुजुर्गों के लिए भी दिन लाभप्रद साबित होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।